संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भाई भाई को लड़ाने का काम करती है, इसलिए पार्टी की हालत खराब हो चुकी है। राहुल गांधी के ईडी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंधिया ने कहा, जिनकी झूठ बोलने की नीति है और देश की प्रगति देखकर ईर्ष्या होती है, वे ही ऐसे नकारात्मक बयान देते हैं। सिंधिया ने कांग्रेस पर बहकाने की राजनीति और नकारात्मक सोच का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मंडल आयोग समेत हर कमीशन की रिपोर्ट का विरोध करती आई है। सिंधिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपना खुद का 4G नेटवर्क विकसित कर रहा है। उन्होंने कहा, अक्टूबर महीने तक 80,000 टावर लग जाएंगे और मार्च 2025 तक 1,00,000 टावर लग जाएंगे, जिससे BSNL का 4G नेटवर्क उपलब्ध होगा। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर दिल्ली का काउंटर मैग्नेट बनाने के लिए तैयार है और 28 अगस्त को इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से शहर में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेगी। अब जानिए क्या कहा था राहुल गांधी ने। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार देर रात 1:52 सोशल मीडिया पोस्ट किया। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ ईडी छापे की आशंका जताई। उन्होंने लिखा, जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है, मैं ईडी का दिल खोलकर इंतजार कर रहा हूं। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने मंडल आयोग समेत हर कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी किसी और पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबा में झांके।